क्या ये ऐसे ही रहता है तुम्हारा रूम हमेशा? ठीक तो है। ठीक है रूम, ये बेडशीट, ठीक है ये जूते, जूते यहाँ रहते हैं? कितनी बार बोला है बाहर के जूते रूम में मत लाया करो, घर गंदा होता है। मम्मा यू जस्ट यूजलेस, ही स्कोल्डिंग मी राइट नाउ। मैं तो पागल हूँ है ना, जो बेफालतू में डांटती रहती हूँ। अपनी हरकतें मत सुधारना, उठो चलो अपना रूम साफ करो चलो। भाभी मैं तो बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से, इसने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है जिसका हिसाब नहीं है। मतलब यहाँ पे मेरी इतनी एज हो गई है लेकिन ये लड़की मेरा हर दिन बीपी बढ़ाती है। मतलब बचपन में हमने इसे इतना प्यार से रखा, हमें क्या पता था ये बड़े होके इतना सरदर्द देगी मुझे। अरे कैसे टेंशन ना लूं, बताइए 22 साल की हो गई है लड़की भी लेकिन इसको ढेले भर की अकल नहीं है अभी भी। करे अब यही रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइफ डिसीजंस के लिए, मैं बिल्कुल अब इंटरफेयर नहीं करने वाली। मतलब मैंने तो एकदम छोड़ ही दिया इस लड़की को। मम्मा बोलो। मम्मा मैं जा रही हूँ, आज ना थोड़ा लेट हो जाएगा, बोलो ना कुछ। मुझे क्यों ये सब तुम बता रही हो, मतलब तुम अपनी लाइफ जी रही हो, जियो, मैं तुम्हारी लाइफ में अब से इंटरफेयर नहीं करूंगी। मम्मा सुनो ना मम्मा प्लीज। मम्मा 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 सुनो ना, खाने में क्या बना रही हो? अब जो बनाओगी ना मैं खा लूंगी, आपका खाना इतना अच्छा होता है। मैं आपकी हेल्प करूं? बस चाची जी आप पूछिए मत, इस लड़की ने मुझे एकदम परेशान कर रखा है। इसको हमने सब कुछ दिया, बस बदले में थोड़ा सा रिस्पेक्ट वो भी इस लड़की से नहीं दिया जाता है। मतलब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि माँ से आके बात किया जाए? आप तो चाहती हैं कि मम्मी आपके पास आए, मम्मा बोले सॉरी बेटा मुझे माफ कर दो, है ना? इतना भी नहीं कि आके सॉरी बोल दे ये लड़की। This is what my mom does when she is angry with me. I'm sure you can relate to this video. And if you do, comment down below. Download the PopExo app if you haven't. And for more such videos, like, share and subscribe to PopExo TV. Mama, chalo yaar, sorry.